सत श्री अकाल जी, इंडिया न्यूज़ पंजाब देख रहे हो। तुसी मैं हां नीलम शर्मा बुलेटिन दा आगाज़ करांगे। करनाल विच लाठीचार्ज दे विरोध विच चल रहे किसानां दे घराओं नूं लै के आखिरकार प्रशासन ते किसानां विच समझौता हो गया है। किसानां ते प्रशासन ने संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दस्सिया कि मामले दी जांच रिटायर्ड जज तो करवाई जाएगी ते डीसी रेट ते सैंक्शन पोस्ट ते परिवार दे मैंबर नूं नौकरी भी दित्ती जाएगी। जो हमने एक नौकरी मांगी थी, लेकिन कल उसको जो है, क्योंकि उसका कंपनसेशन और जो शहीद परिवार है उसकी हम किसी हालत भरपाई नहीं कर सकते, इसलिए हमने उसका तय किया था कि उसकी भरपाई ज़्यादा चाहिए, क्योंकि असली नुकसान तो उसी का हुआ है। तो इसलिए और कल हमने उसके दो मजदूरों को नौकरी मांगी थी, जो प्रशासन ने मान ली है, सरकार ने मान ली है, और दो लोगों को नौकरी उसके परिवार के दी जाएगी। और ये जो डीसी रेट होता है, इस पर दो तरह की पोस्टें होती हैं, एक तो सीधा डीसी रेट पे रख लिया जाए और दूसरा सेंक्शन के अधीन रख लिया जाए। जो सेंक्शन के अधीन रखा जाता है उसकी बाद में पक्के होने की प्रक्रिया होती है, जो दूसरा होता है वो पक्का नहीं होता है। तो सेक्शन के अधीन दोनों पोस्ट होगी और ये एक हफ्ते के अंदर अंदर हो जाए, एक हफ्ते के अंदर अंदर दोनों को नौकरी उनको मिल जाए। और जो एसडीएम है आयुष सिन्हा जी, उनका जो हम एफआईआर दर्ज करने की मांग कर रहे थे, लेकिन अगर हाई कोर्ट का चार जज उसमें जो है वो इंक्वायरी करता है, उसके बाद उसका पर्चा दर्ज होता है, तो उसके ना तो उसके कंसिडरेशन के चांस होते हैं और ना उसके फिर जांच को कोई प्रभावित करने के चांस होते हैं। तो इसलिए हमने भारत में सहमति बनाई थी कि हाई कोर्ट के जज से ज़्यादा बेहतर रहे, उन्होंने मान ली है।